जब से कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ है, हर कोई वहां पहुंचने का सपना देखता है, लेकिन ये सपना अभी तक गिने चुने लोगों का ही पूरा हो पाया है। कारण यह है कि यहां चाहिए होता है ज्ञान और तैयारी। इसके अलावा आप किसी भी तरकीब से यहां नहीं पहुंच सकते। यहां आपकी बुद्धिमता, आपकी फुर्ती और निर्णायक क्षमता सबकी परीक्षा हो जाती है, और ये परीक्षा जीत ली है राजसमंद के एक अध्यापक ने। जी हाँ, गोविंद सनाड्य नाम के राजसमंद के एक अध्यापक कौन बनेगा करोड़पति शो के टॉप 10 में पहुंच गए हैं। काव्य गोष्ठी मंच राजसमंद के सदस्य व 20 विषयों में एमए करने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोइंदा के व्याख्याता गोविंद सनाड्य सुपरस्टार अमिताभ बच्चन द्वारा संचालित कौन बनेगा करोड़पति के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंच गए हैं। काव्य गोष्ठी मंच के अध्यक्ष सतीश आचार्य के अनुसार काकरोली निवासी शिक्षक गोविंद सनाड्य ने केबीसी में 4 करोड़ प्रतिभागियों में से चयनित होकर टॉप 10 में अपनी जगह बनाकर राजसमंद का नाम रोशन किया है। शो का प्रसारण 25 अगस्त शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी पर होगा। सनाड्य की इस उपलब्धि पर अफजल खान अफजल, प्रमोद सनाड्य, शेख अब्दुल हमीद, सूर्य प्रकाश दीक्षित, राजकुमार शर्मा, रमेश आचार्य, गोपाल शर्मा, राहुल दीक्षित ने राजसमंद से इससे पूर्व केबीसी में पीपलांत्री ग्राम पंचायत के सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने भी केबीसी में अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब दिए थे। कांकरोली में भगवान दास जी की हवेली निवासी मदन लाल और यशोदा देवी के पुत्र गोविंद सनाड्य ने 20 विषयों में एमए करके रखी है। वे जॉइंट फैमिली में रहते हैं। सनाड्य ने बताया कि उनके परिवार में कुल 58 सदस्य हैं। इनकी पत्नी सीमा शर्मा हाउसवाइफ है, एमए तक की पढ़ाई कर रखी है। सीमा 2 बार केबीसी में ऑडिशन राउंड तक पहुंची है। सनाड्य के एक बेटा नकुल दीक्षित व बेटी सोनल दीक्षित है, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। सनाड्य ने केबीसी में जाने के लिए पूर्व में भी प्रयास किए थे। अब टॉप 10 में सेलेक्ट होकर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंच चुके हैं।